ये शांत करने का अभी तुरंत एक इलाज नहीं है, इलाज बहुत तरीक़े से होना इस माहौल को शांत करने के लिए। एक चीज़ है, जिस तरीक़ा से एट्रॉसिटीज़ हो रहा है उस एट्रॉसिटीज़ को हम जो सरकार जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो जो पुलिस व्यवस्था है या कानूनी व्यवस्था है, जितना भी व्यवस्था है इस देश का अंदर, सिस्टम का अंदर, वो लोग सब ईमानदारी से कॉन्स्टिट्यूशनली उन लोगों काम किया तो लोग का अंदर एक विश्वास मिलेगा, भाई ये जो डेमोक्रेसी जो है सबके लिए काम कर रहा है। वो एक बहुत ज़रूरी नेसेसरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करो। कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ही है ऐसा, वो आंदोलन पैदा होगा, पैदा होता रहेगा जब तक ये प्रॉब्लम सीरियसली एड्रेस नहीं हुआ तो। सर एक तो भी देखा जाता है, चाहे एजुकेटेड है, चाहे सांसद है, चाहे महामहिम, पहले ऐसा नहीं था, अगर कोई भी नाम लिया जाता है कि दलित प्रोफेसर, दलित सांसद, दलित राष्ट्रपति, इस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे जो सांसद हैं उनको भी एक ही कैटेगरी में दे दिया, एक नॉर्मल को कह दिया जाए तो एक बुरा नहीं लगता, और इस तरीके से जो महामहिम को कि दलित राष्ट्रपति कहा जाता है। देखो ये पहले बहुत वो बुरा तरीका से लेते थे आइडेंटिटी को लेके, आजकल वही पहचान एक मुद्दा बन गया। मतलब जो दलित आइडेंटिटी जो है वो कभी कभी वैलराइजिंग हो, मतलब एक मैं अब जब वो इंग्लिश में बताना चाहूँगा इसको, आइडेंटिटी समटाइम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो इट्स समटाइम्स अनोनिमस, समटाइम्स इट इज़ प्राइड। सो जब मैं आज दलित प्रोफेसर हूँ, मतलब आई एम सेइंग दैट, ये तो एक पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ भाई, यस वी कैन क्रिएट हिस्ट्री। जो एनोनिमिटी जो है, कोई दूसरा लोग हमको डिरिगेटरी के तरह से हमको ये दलित है, ये चमार है, या ये जो दूसरा तरीका से वो संबोधित किया तो वो गलत है, वो गलत है। आज एक दलित एक कॉन्शियस टर्म है, एक कॉन्शियस टर्म है, उस तरीके से मैं देखता हूँ इस दलित शब्द को। सर कभी एजुकेशन में प्रहार किया जाता है, कभी जाति को लेके लोगों को प्रहार किया जाता है। अभी एजुकेशन के अंदर था कि अगर प्रमोशन होनी है तो जो संस्कृत का टीचर है या मैथ का टीचर है उसी सब्जेक्ट में प्रमोशन होगा, ये कहाँ का रूल है, क्या इस तरीके का? नहीं, ये पूरा ब्राह्मणवाद का जो आइडियोलॉजी जो है, जो हमारा टीचर्स को कॉन्फिडेंस पे मारने का, मतलब जो कॉन्फिडेंटली हमारा टीचर्स प्रमोशन के लिए आगे बढ़ रहा है, रिजर्वेशंस को यूटिलाइज होके करके आगे बढ़ रहा है, उसको कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने के लिए ये पूरा जो इंस्टीट्यूशंस का अंदर जो हायरार्की जो है, जो सोसाइटी का अंदर जो हायरार्की बनाया वो एक्टिवली काम कर रहा है। वो शायद मेरे ख्याल से अभी बदल रहा है, मामला बदल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो सर एक तरफ आ जाता है कि सबका साथ सबका विकास है, उसके बावजूद जो यहाँ के जो पॉपुलेशन है, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, वो उनका विकास किसी तरीके से नहीं हो पा रहा है। देखो सबके साथ सबके विकास एक नारा जैसा हो गया, बस बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो कुछ नहीं हो रहा है। सरकार किसी का वो हो वो अलग बात है, मैं खासकर पिछले चार पाँच साल से देख रहा हूँ जिस तरीक़ा से दलित लोगों का ऊपर हमला हो रहा है, जिस तरीक़ा से माइनॉरिटीज़ लोगों का ऊपर हमला हो रहा है, ये कैसे सबका साथ सबका विकास है? रिजर्वेशंस को ख़त्म करने के लिए एक तरफ से प्रयास हो रहा है, जो संघवाद लोग जो बोलता है हर वक्त हर इलेक्शंस पे कुछ ना कुछ बोलता रहता है भाई, इलेक्शंस का रिजर्वेशंस का ज़रूरी नहीं बोलता है कभी, कोई दूसरा बोलता है नहीं नहीं हम कभी भी ये नहीं बोला रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं करेंगे, कोई और दूसरा वो पार्टी से आके बोलता है कभी भी नहीं होगा, हम कभी भी नहीं करने दे देंगे बोल रहा है, वो दो दिन का पहले अमित शाह भी बोल रहा है रिजर्वेशन ख़त्म नहीं होगा, रिजर्वेशंस को हम ख़त्म नहीं करने देंगे भी बोल रहा है। ये एक एक मतलब एक एक जो ट्विस्टेड टंग का बात जो है वो बंद करना पड़ेगा, बस सीधा बोल, आप जो बोलना सीधा बोल भाई, हम रिजर्वेशंस है तो काम, हम रिजर्वेशंस का भी ज़्यादा हम नहीं डिमांड कर रहे हैं भाई, संविधान को इम्प्लीमेंट करो अपने आप, हमारा जितना भी डिमांड्स है 70% डिमांड्स वो पूरा फुलफिल हो जाएगा, तुम कौन है सबके साथ सबके विकास बोलने का जरूरी नहीं, अपने आप वो हो जाएगा। सर इस देश के अंदर जानवरों के लिए तो एक कानून बना दिया जाता है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको सख्त सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन यहाँ
यहाँ जीवित मनुष्य हैं जिनको अनुसूचित जाति कहा जाता है उनके लिए कोई कानून नहीं है। गाय को मारना एक पाप है और दलित को मारना माफ है। यही है दौर्भाग्य। ये जो संस्कृति जो है ये बहुत खतरा संस्कृति है। इसलिए अंबेडकर ने पहले हिंदुइज्म के साथ इतना एंगेज किया, उन्होंने शायद उसका जो जितना भी थिंकर्स है वो पूरा मॉडर्न इंडियन थिंकर्स का अंदर जैसे अंबेडकर ने डीपली पढ़ा वो रिलीजियस टेक्स्ट को, उन्होंने एनालाइज किया, हिंदुइज्म इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करता है। तो यही है, जब जानवर को ज़्यादा भाव मिल रहा है तो ये संस्कृति वजह से मिल रहा है, ये जो हिंदू संस्कृति जो है उसके वजह से मिल रहा है, तो उसको ख़त्म करना है। तो पॉलिटिकली हम ये हिंदूवाद लोग यहाँ पे बैठा है पार्लियामेंट में, उसको ख़त्म करना ही है। उसको ख़त्म करना है तो एक ही रास्ता है, रास्ता एक ही है, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ही हम ख़त्म कर सकते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज द ओनली वेपन। वही बोला ना, पॉलिटिकली वी आर इक्वल टू एंड वी नीड टू डिस्ट्रॉय ऑल दिस यू नो सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल हु आर प्रमोटिंग इनइक्वालिटीज। यू नो अंबेडकर ने एक अच्छा वेपन दिया, वोट एज ए वेपन, सो वी नीड टू फिनिश देम ऑल। जो भी है, ब्राह्मणवाद को खत्म करना है तो वो अंबेडकरिज्म को प्रमोट करना ही है। सर आज लड़ाई है ब्राह्मणवाद और हिंदुवाद की, तो आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हो? तो आज लड़ाई ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद लोगों का बीच लड़ाई है। ये जो लड़ाई है बहुत, ये लड़ाई को हम एक अच्छा तरह से समझना पड़ेगा, हिस्टोरिकली समझना पड़ेगा। ये लड़ाई जो है सिर्फ रिजर्वेशंस के लिए मुद्दे के लिए लड़ाई कर रहा है, ये लड़ाई कुछ वो नौकरी प्रमोशंस के लिए लड़ाई कर रहा है, ये सिर्फ SC ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट का वो जो बदलाव हुआ वो उसमें उससे लड़ाई कर रहा है, वो नहीं है। ये जो हिस्टोरिकली आप देखा तो वो जो ब्राह्मणिज्म का वो एक ज़माना में ब्राह्मणिज्म को चैलेंज किया अंबेडकर ने, इसीलिए उस टाइम पे अंबेडकर का नाम लिया तो सबको वो डर लगते थे। तो इसलिए जो अंबेडकर ने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का अंदर, वो पूरा ब्राह्मणवाद लोग इकट्ठा होके उसको मना करना शुरू किया। आज अंबेडकर के बाद इतना अंबेडकरवाद लोग खड़ा होके बोल रहा है, ये जो ब्राह्मणिज्म से टकराई है, अंबेडकरिज्म का ब्राह्मणिज्म से टकराई है, तो ये पीछे नहीं चलेगा, ये जो पीछे नहीं चलेगा वो ब्राह्मणिज्म अपने आप मरेगा, वो अंबेडकरिज्म उसको ख़त्म करेगा ही है। ये शुरुआत है और आगे और बढ़ता रहेगा, शायद एक दिन में नहीं होगा। अंबेडकर भी लगभग 40-50 साल उन्होंने पूरा जिंदगी भर पूरा टेक्स्ट को पढ़ के उन्होंने क्रिटिकली एंगेज किया, तो इसीलिए आज अंबेडकराइट लोग बहुत हिम्मत से आगे बढ़ के भाई इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करना, और एक ही आइडियोलॉजी बचेगा या एक ही आइडियोलॉजी अच्छा रहेगा, रेशनली रहेगा, वो अंबेडकरिज्म है। धन्यवाद। जय भीम।